देखो इसे, मैंने कहा देखो इसे। देखता हूँ कैसे, ये सब किस लिए? अब बताओ मुझे, उसी के जैसी है ना? आखिर तुम ये सब कर क्यों रही हो? मेरे सवाल का जवाब दो, भूलो मत, सवाल पूछना मेरा काम है। उसी के जैसी दिख रही है। सब कहते हैं कि मैं कभी कोई चेहरा नहीं भूलती, एक भी चेहरा नहीं भूलती। ये जानी पहचानी है ना? लोग कहते हैं कि बेटियों की शक्ल माँ के मुकाबले पिता से ज्यादा मिलती है। ये क्या पागलपन है? मुझे तो लगा था कि आपको बहुत मजा आएगा। आपकी मशहूर फोटो की तस्वीर बनाना मेरे लिए सबसे मुश्किल था, कितना दर्द था इसमें। लेकिन ये तस्वीर तो बहुत अच्छी बन गई। ये तो बस एक स्केच है, पर देखो इसमें हर बारीकी मौजूद है। मैंने इस तस्वीर में बच्ची की किताब का नाम भी लिखा है, देखो ना जरा। देखता हूँ। मीलों तक लंबा सफर तय करने के बाद उस नन्हे सुअर का गुब्बारा सांप के मैदान में उतरा। गुड मॉर्निंग, उस नन्हे सुअर ने कहा। गुड मॉर्निंग, सांप ने उसे दुखी मन से मुंह लटकाकर जवाब दिया। ऐसे मुंह मत बनाओ, तुम्हारी फोटो जैसी है। इस फोटो ने ही तुम्हें मशहूर बनाया है। दोनों तस्वीरों में फर्क बस इतना है कि ये कोई अनजान लड़की नहीं है, ये आपकी बेटी है जिसकी पीठ आग में झुलस गई है। आपकी डरी हुई बेटी है जो आपको देख रही है, जिसे एक मच्छर की तरह मसल दिया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही। क्या कहा था तुमने? शांति का सिंबल। मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? फिर से वही बचकाना सवाल, मिस्टर सोलोमन। इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही तुम्हें मैं कब का मार देती, पर ये बहुत ही आसान और बेमतलब हो जाता, कायराना भी। कभी किसी पर पीछे से वार नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं रुक गई। तुम्हारी शक्ल भी तो देखनी थी। मारने से पहले मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहती थी, तुम्हें जानना था, शायद जीने का दूसरा मौका भी देती, अगर तुम्हें अपनी गलती का जरा सा पछतावा भी होता तो। तुम इतना उदास क्यों हो? जरा सा भी दुख होता? क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है, सभी जानवर मुझसे डरते हैं। सांप ने दुखी होकर कहा, मेरे दांतों में जहर भरा है और कोई मेरे पास नहीं आता है, कोई नहीं। तुम किसी सन की विचारधारा से हो क्या? मैं कोई सन की नहीं हूँ। काम तो वैसा ही है। मेरी बेइज्जती मत करो। तुम मुझे मार नहीं सकती। क्यों नहीं? मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, नन्हे सुअर ने कहा। क्यों नहीं डरते? तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। आधा होटल जानता है कि हम दोनों साथ में हैं। सबको पता चल जाएगा कि तुमने गोली चलाई है। वो सब समझ जाएंगे, उन्हें गोली की आवाज सुनाई देगी। अब लोगों को यहाँ गोली की आवाज सुनाई नहीं देती। तुम्हारे दांत जहर से भरे हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती। इतना बड़ा होटल है, फिर भी सामान खुद उठाना पड़ता है। अब बताओ इससे बुरा क्या हो सकता है? अंदर आ जाओ, वहां खड़ी रहोगी तो पता नहीं लोग क्या क्या सोचेंगे। अजीब बात है, ये बस नाम के लिए प्रेसिडेंशियल सुइट है, कोई सुविधा ही नहीं। यहां पर ये आम बात है क्या? देखिए, आपके लिए जो आम बात है वो हमारे लिए आम बात नहीं है। यहां के हालात आपके देश से बिल्कुल अलग है। हाँ, जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं कि यहां के हालात पूरी दुनिया से अलग हैं। आप ठीक है मिस्टर सोलोमन? हाँ ठीक हूं, कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी और कुछ नहीं। हे ऊपर वाले, देखो बैठो बैठो, जहां भी तुम्हें ठीक लगे देख लो। हाँ मैं फ्रेडरिक सोलोमन बोल रहा हूँ। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, मेरे कमरे में कोई पैंटी छोड़कर चली गई है। करना मुझे, हमें इंटरव्यू कहीं और जाकर करना होगा। नहीं, यहीं कर लेते हैं। पक्का?
प्लीज आइए यहां बैठिए मिस्टर सोलोमन। ठीक है, माफ करना मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आधे घंटे में निकलना होगा मुझे यहां से। फिक्र ना करें, प्रेसिडेंशियल पैलेस ज्यादा दूर नहीं है। हाँ मुझे पता है, जानता हूँ कमेटी के सारे मेंबर्स आ रहे हैं, एम्बेसडर्स, सारे मिनिस्टर्स, पर्यटन और संचार विभाग के मंत्री। अच्छा होमवर्क क्या है? यही मेरा पेशा है। मैं जरा ये रख के आता हूँ। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। कुछ पीना चाहोगी? नहीं शुक्रिया। आपका इंटरव्यू लेना मेरे लिए एक सपना सच होने जैसा है। मुझे मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। सच कह रही हूं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यहां किस अखबार के लिए काम करती हो तुम? और कौन सा, यहां एक ही अखबार है। और वो दूसरा वाला? वो देशभक्त नहीं थे इसलिए पिछले महीने बंद हो गया। हाँ ये तो बुरा हुआ। पर क्यों, तुम्हें बुरा नहीं लगा क्या? वो मेरा अखबार नहीं था। मेरा भी नहीं था। आप यहां पिछली बार कब आए थे? लगभग 5 साल पहले। आपको कोई बदलाव नजर आया? हाँ, अब यहां डेमोक्रेसी है। ऐसी डेमोक्रेसी में अखबार बंद हो रहे हैं? पर डेमोक्रेसी कम से कम है तो, तुम लोगों को तो गर्व होना चाहिए, खास करके तुम्हें। मुझे? उम्र कितनी होगी तुम्हारी? यही 28-30 के आसपास है ना? तुम्हारी तो अब तक की जिंदगी लड़ाइयों के बीच ही बीती है, हालांकि अब जंग अब भी जारी है मिस्टर सोलोमन। बम के धमाके रुकने को जंग खत्म होना नहीं कह सकते। लेकिन शांति समझौता तो हुआ है। आप इसे जो भी कहना चाहें। और तुम इसे क्या कहोगी? शांति बनाए रखने के लिए। किस लिए? शांति के लिए। मैं? आप और आपका देश और UN, इन सब में क्या फर्क है? मैं बस एक फोटोग्राफर हूं। यहां शांति में योगदान के लिए आपको तो इनाम मिलने वाला है। इसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। इसी बात पर एक बात कहूं? तुम्हारी जबान तो बहुत ही साफ है, इतनी सफाई कहां से सीखी है? अब आप मक्खन लगा रहे हैं। शिट। अरे देखो यहां क्या हो गया। कहां क्या हो गया? नीचे नीचे एक औरत गिरी पड़ी है, और वो भी कपड़े भी नहीं है। ये तो मर गई। ये शहर की सबसे ऊंची इमारत है, शायद इसने खिड़की से कूदकर जान दी होगी। ऊपर वाले क्या क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ लोग तो यहाँ आसान मौत मरने आते हैं। हाँ मैं फ्रेडरिक सोलोमन बोल रहा हूँ, सुनो। अरे नहीं नहीं ये सब बातें छोड़ो, यहाँ नीचे एक औरत की लाश पड़ी हुई है। अरे जल्दी वहां जाओ और कुछ करो। मेरा तो यहां आने का मन ही नहीं था, और अब देखो ये मौत हो गई, और आज की तारीख। तुम तो जर्नलिस्ट हो, अपना रिसर्च किया ही होगा, यही तो तुम्हारा काम है। मैं यहां इनाम लेने आया हूं, लेकिन टीवी पर ये सब देखना अलग बात है, और यहां रहना बिल्कुल ही अलग। कोई देख भी नहीं रहा है, एक औरत ने अपनी जान दे दी और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आज भी खिड़की के करीब जाने से डरते हैं। मैं जरा फ्रेश होकर आता हूं, उसके बाद इंटरव्यू शुरू करेंगे, तब तक आराम से बैठो, मैं अभी आता हूं।
हेलो ब्यूटीफुल। हेलो डॉक्टर आर्यानो। तुम्हें बिना रोक टोक अंदर आने दिया? हमेशा की तरह। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, काम बहुत ज्यादा है पर अच्छा हूँ। सारा वो अब कैसी है? वो अभी भी आईसीयू में है। क्या वो बेहतर है? वैसी ही है। मैं उससे मिल सकती हूँ क्या? फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। पर आपने कहा था इस हफ्ते आप मुझे उससे मिलवाएंगे। गलत कहा था, उसे अलग रखना होगा। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही उसके लिए बेहतर है। उसकी मां का पास होना उसके लिए ज्यादा बेहतर होगा। शिकायत कर रही हो? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। हाँ, और तुम बिना वजह मुझसे शिकायत कर रही हो। नहीं नहीं, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं। यह बात पसंद आई। मैं उससे बस एक बार मिलना चाहती हूँ, गले लगाना चाहती हूँ, उसे चूमना चाहती हूँ। याद रहे, किसी भी तरह का इन्फेक्शन जानलेवा होगा। बोलो, यही चाहती हो क्या? चूम कर तुम उसकी जान लेना चाहती हो? मत बोलो कि हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया। हम अपना काम कर रहे हैं। मैं उसकी मनपसंद किताब लाई हूं, आप ये किसी नर्स को दे दीजिएगा या किसी को भी। उसे सोने से पहले कहानी सुनना बहुत पसंद है। इडा, देखिए इस कहानी में ये छोटा सुअर हीरो है जो एक गुब्बारे में घूम घूम कर दूसरे जानवरों से मिलता है। अच्छा है ना? इन कहानियों को जानवरों की आवाज में सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। नर्स को बोलना ऐसे ही सुनाए, नहीं तो उसे मजा नहीं आएगा। देखता हूं क्या कर सकता हूं। वो सुन तो पाएगी ना? ऐसी हालत में मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था कि उम्मीद मत छोड़ो। जब चाहो शुरू कर सकती हो। आप जब चाहे शुरू करते हैं। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो? तबीयत ठीक नहीं है तो नहीं, बस ये मौसम, ऐसे मौसम में अचानक मेरा सर दर्द करने लगता है। चलो जल्दी जल्दी इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं। रिकॉर्डर लाई हो तुम? नोट डाउन करूंगी। ग्लव्स क्यों पहने हैं? क्या कहा? ऐसी उमस में ग्लव्स क्यों पहने हैं? ये सवाल भी इंटरव्यू का पार्ट है क्या? मुझे एक्जिमा है, हाथ बदसूरत है मेरे। कब से है? मेरे हाथों में इतनी दिलचस्पी क्यों? आपके हाथ इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ समझा नहीं। आपके हाथों ने इतिहास की सबसे मशहूर तस्वीर जो ली है, इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर क्यों ना उस तस्वीर की ही बात करें हम लोग? सवाल पसंद नहीं आया? माफ करना, मैं तुम्हें यह बताना भूल गया कि निजी सवालों के जवाब नहीं देता मैं। हमारी सरकार आपकी कला के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दे रही है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है, अपने लिए और अपने देश के लिए भी। ये बड़ी बात है। किसी को इस तरह से सम्मानित करना साबित करता है कि आपकी सरकार देश के हालात बेहतर करने और लोकतंत्र लाने की कोशिश कर रही है। मुझे अच्छा लग रहा है। जानता हूं यह केवल एक तस्वीर है, लेकिन यही तस्वीर आपके देश के अतीत को बहुत अच्छी तरह से दर्शाती है। आप $1 million इनाम का क्या करेंगे? डोनेट कर दूंगा कुछ संस्थाओं को जो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनवाते हैं। तुम कुछ नोट डाउन तो कर नहीं रही? करूंगी जब आप कुछ खास बताएंगे। ये कुछ ज्यादा नहीं है?
मतलब 20 साल पहले ली गई तस्वीर के लिए $1 million इनाम। ये कोई आम तस्वीर नहीं है, थोड़ी देर पहले तुम्हें तो कही थी ये बात। हाँ, मैंने कहा था आपको इतने सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, अब आपको और कितनी शोहरत चाहिए। ये सब पब्लिसिटी के लिए तो बिल्कुल नहीं है, मैं पब्लिसिटी वगैरह की बात सोचता ही नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं, पर ये इस देश के लिए है। मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहती हो? हमारे देश में बच्चों की जनसंख्या लगभग 50% है। देश के एक तिहाई लोगों में HIV वायरस फैला हुआ है। स्कूल बंद है या तो तबाह कर दिए हैं। यहाँ सिर्फ हथियारों का काम अच्छा चल रहा है और सरकार कला के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बांट रही है। ये तो पब्लिसिटी स्टंट लगता है जो आपको मिलने वाला है। ये किसी मार्केटिंग कैंपेन जैसा नहीं लगता है आपको? मैं अगर इस पे कुछ भी कहूंगा ना तो कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे बस ईमानदारी से जवाब दीजिए। क्या चाहती हो, कि तुम्हारा अखबार भी बंद हो जाए? वो लड़की। कौन सी लड़की? तस्वीर वाली लड़की। किसकी तरफ थी? उससे क्या फर्क पड़ता है? हारने वालों की तरफ थी, उस तरफ जो 20 साल के बाद आज सत्ता में है। तुमने वो तस्वीर कभी ध्यान से देखी है? हाँ बिल्कुल देखी है, हजारों बार देखी है। पर लगता है कि तुम अब तक भी उसे समझ नहीं पाई हो। उस तस्वीर में समझने जैसी क्या बात है? एक तस्वीर किसी की तरफ नहीं होती है, वो सिर्फ हादसों को दिखाती है। एक छोटी बच्ची 6 या 7 साल की होगी, उसके ठीक पीछे एक बम फटने की वजह से वो हवा में उड़ जाती है। बस इतना ही? हाँ इतना ही। क्या फर्क पड़ता कि बम किसने गिराया या कि वो लड़की कौन थी? उस तस्वीर को कभी महसूस करके देखो, एक मासूम लड़की जंग में डरी हुई। इसलिए तो ये एक सिंबल बन गया। किस तरह का सिंबल बन गया? शांति का सिंबल, और किसका? आपको यह शांति का सिंबल लगता है? एक छोटी सी बच्ची जिसकी पीठ और बाल आग की लपटों में झुलस रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता? नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है? इंतकाम। इंतकाम? हमारे लोगों की बदकिस्मती को आप जैसे लोग दुनिया भर में शांति का सिंबल बनाकर बेच रहे हैं। मिस्टर सलमान, क्या याद दिलाना पड़ेगा कि इस तस्वीर में फटने वाला बम बागियों को किसने बेचा था? पर ये सब मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि यही सच है। मेरी बात सुनो लड़की, जिन मिनिस्टर्स के साथ थोड़ी देर में मेरी दावत है, उन लोगों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि उनके लिए काम करने वाले लोग इस तरह की सोच रखते हैं। ये देशभक्ति की निशानी तो नहीं है? मेरी देशभक्ति में कोई कमी नहीं है, और इस इंटरव्यू के छपने के बाद भी वो वैसी ही रहेगी। तो जल्दी इंटरव्यू खत्म करो, नहीं तो छपने के लिए कुछ होगा ही नहीं। अब तो बस 20 मिनट बचे हैं। मैंने आपकी खींची हुई तस्वीर लगभग हर जगह देखी है। सबने इसे किसी न किसी अखबार या मैगजीन में देखा है, टीवी पर भी दिखाया गया है। दुनिया भर में इस तस्वीर की बहुत सी नकल उतारी गई है। ये टी शर्ट और टोपी, पोस्टर सब तरफ छापी गई। कुछ शहरों में तो ये गलियों की दीवारों पर भी उतारी गई है। क्या मैंने गलत कहा? नहीं, तुमने सही कहा। इसके बारे में किताबें लिखी गई हैं। आपने खुद कई किताबों में ऑटोग्राफ दिए हैं। इस टॉपिक पर लोगों ने बहुत बहस भी की है, इस पर बहुत रिसर्च भी हुई है, यहां तक कि कुछ एंटी ग्लोबलाइजेशन ग्रुप्स ने इसे अपना झंडा तक बना लिया। इतिहास में इस तरह की चीज पहली बार हुई है। नहीं, ऐसा कुछ ची गुएवारा की तस्वीर के साथ हुआ। नहीं, वो इस तरह का नहीं था, ये आम बात नहीं है। तुम सही हो, मैं मानता हूं। आपको खुशी हुई होगी। ये किसी भी फोटोग्राफर के लिए बड़े सम्मान की बात है कि लोग उसके फोटो को अपना बना लें और उसे अपना बिजनेस बना लें। आजकल ऐसा कौन है जो पैसे नहीं कमाना चाहता हो? शांति भी तो एक धंधा बन गई है। वाह, ये तो कमाल की हेडलाइन है। ऐसा सोचना भी मत। डरिए मत, मजाक कर रही हूं। किसी भी फोटोग्राफर के लिए यह सबसे बड़ा सम्मान है, और ये आपको 28 की उम्र में मिल गया था। फिर आपने क्या किया? मैं उसके बाद भी फोटोग्राफी करता रहा। इससे बड़ा और कुछ करने की कोशिश? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। फिर दोबारा कभी जंग लड़ रहे देशों में नहीं गए? नहीं। पर क्यों? मेरे इस पैर की वजह से। कोई और वजह नहीं? देखो लड़की, इसकी और भी तो वजह थी। मैंने कहा था ना कि मैं निजी सवालों के जवाब नहीं दूंगा, मैं चलता हूँ। अगर जवाब नहीं देंगे तो मुझे खुद जवाब बनाने पड़ेंगे। तुम एक अच्छी जर्नलिस्ट हो, लोगों से जवाब निकलवाना अच्छी तरह से आता है। मेरा इंटेंशन आपको धमकाने का नहीं था। तुम्हारे यहां होने की वजह?
क्या मतलब? यहाँ यहाँ क्यों रह रही हो तुम? जवान हो, पढ़ी लिखी हो, इतनी सारी भाषाएं आती हैं। सरकार अगर पसंद नहीं है तो कहीं भी जा सकती हो। मैं यहीं पैदा हुई और मेरे अपने लोग यहीं पर दफन हैं। तो बेहतर जिंदगी नहीं चाहिए? आपका मतलब ज्यादा कमाई? तो अच्छा रहेगा ना। अगर पैसों का लालच होता तो मैं भी आपकी तरह ही यूएन से आए मिनिस्टर्स या बाहर से आए सेलिब्रिटीज के तलवे चाट रही होती। सही कहा ना? तुम्हें एक इज्जतदार और अच्छी जिंदगी नहीं चाहिए? जहां पर सुविधाएं मिलें, गर्म पानी हो और घर की बिजली कभी भी ना जाए। एक खुशहाल जिंदगी नहीं चाहिए क्या तुम्हें? आपको सच में जानना है या अच्छे होने का नाटक कर रहे हैं? सच में जानना चाहता हूं। यहां के लोग आपको खुश नहीं लगते क्या? तुम खुश हो? क्या लिख रही हो? सवाल लिख रही हूं। आपको यहां के लोग खुश लगते हैं? और जवाब है, एक लंबी भयानक जंग से उभरना मुश्किल है, पर मुझे भरोसा है कि लोग चाहे किसी भी सोच या संगठन के हो, इस देश की नई सरकार सभी की भलाई और खुशी के लिए पूरी कोशिश कर रही है, फिर चाहे लोग किसी भी तरफ हो। हाँ, बहुत ही अच्छा लिखा है तुमने, पर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं निजी सवालों के जवाब नहीं देती। पर तुम तो मुझसे निजी सवाल ही पूछ रही हो। मैं कोई मशहूर हस्ती नहीं। और क्या पूछना है? तस्वीर के बारे में। तस्वीर खींचते वक्त कैसा लगा था? तुम्हें इस घटना के बारे में तो बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, पढ़ लो। पर मुझे आपकी जुबान से सुनना है, प्लीज। राजधानी में जंग लगभग खत्म होने के कगार पर थी। आधे देश पर बागियों का कब्जा था और उन्होंने पूरे शहर को घेर कर रखा था। हार अब ज्यादा दूर नहीं लग रही थी। लगातार हवाई हमले हो रहे थे, दिन में दो या तीन बार। तुम्हें तो पता ही होगा, जर्नलिस्ट जो हो, उस दिन मैं गांव के स्कूल में था। उसे कुछ मिशनरी चलाते थे। मुझे वहां के बच्चों, टीचर्स सबकी तस्वीरें लेनी थी। उस दिन उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहां कोई जंग चल रही हो। मानो जैसे जंग ने इन बच्चों को पूरी तरह से बख्श दिया हो। अचानक सायरन बज उठा और हम सभी बम शेल्टर की ओर भागे। वो शेल्टर हमसे ज्यादा दूरी पर नहीं था। मैं तस्वीर खींचने लगा। अभी तक मैंने बस कुछ ही तस्वीरें खींची थी कि प्लेन्स मेरे सर के ऊपर से उड़ने लगे। मैं तेजी से भागा, पर शेल्टर के एंट्रेंस पर रुककर मैंने स्कूल की तरफ एक बार फिर से देखा। तब मैंने उसे देखा। वो लड़की पीछे रह गई थी। वो हाथ में किताब लिए भाग रही थी और गली के बीच में आकर रुक गई, जम गई। वो घबरा गई थी कि आखिर जाए कहां। उसे इमारतें और मलबे सब एक जैसे लग रहे होंगे। बेचारी बच्ची, वो वहीं खड़ी रही। उसे कुछ पता नहीं था। मैंने कैमरा निकाला, फोकस किया और ठीक उसी समय एक बम स्कूल पर आ गिरा। सब कुछ आग की लपटों में था और धमाके से बच्ची उड़कर 10 गज आगे गिरी। और एक पल के लिए, और बस उसी एक पल के लिए, वो लड़की हवा में उड़ रही थी। उसने मुझे देखा, मतलब मेरे कैमरे में देखा। तस्वीर छपने से पहले मुझे कुछ भी पता नहीं था, ठीक है? मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन उसी समय एक बम ठीक मेरे बगल में आ गिरा और मैं वहीं बेहोश हो गया। एक पैर नहीं रहा। और बाद में हम लोगों को पता चला कि बागी अपने कारतूस स्कूल और अस्पतालों में छुपाते थे, इसीलिए वो धमाका हुआ था। बहुत ही भयानक। ध्यान से ड्रेस खराब मत करना, इसे दोपहर में लौटाना भी है। क्या इसे मैं रख लूं? होटल से निकलने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। तुम अपने कपड़े तो लाई होगी ना?
और दोबारा उस लड़की का कोई पता नहीं चला ना? नहीं, मुझे लगा वो बच्ची अब नहीं रही। मैं 3 हफ्ते तक रेड क्रॉस के शेल्टर में ही था। मैंने उसे शेल्टर से बाहर आकर बहुत ढूंढा, पर किसी को उसके बारे में पता ही नहीं था। स्कूल के टीचर या मिशनरीज ने भी नहीं पहचाना? कुछ लोगों ने कहा कि वो लोग उसे जानते हैं, पर तुम्हें तो पता ही है ना कि कैसे ये पादरी हरानाथ को क्रिश्चियन नाम दे देते हैं, असली नाम का पता ही नहीं चलता। हालांकि मैंने उसका नाम जानने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार, वो नहीं मिली। वो बच्ची न जाने कहां से आई और हमेशा के लिए कहीं खो गई। आप उसे क्यों ढूंढ रहे थे? खुद को दोषी मानते हैं? क्या कहूं, जब मैंने ये तस्वीर खींची थी तब मैं 30 का भी नहीं था। काश जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसे आवाज दी होती, वो मेरे पास आ जाती तो शायद बच जाती। और फिर ये तस्वीर भी नहीं होती। सही कहा। और अब कोई पछतावा है? कई सालों से मैंने खुद से यह सवाल किया ही नहीं। तुम भी एक जर्नलिस्ट हो, तुम्हें भी ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। हाँ, शायद एक जर्नलिस्ट के नाते, पर उस मासूम बच्ची का ख्याल मेरे दिमाग से नहीं जाता। उसकी तो समझ में भी नहीं आया होगा कि हुआ क्या। शायद उसे पता भी नहीं हो कि मैं वहीं पर था। हो सकता है ना पता हो। अगर वो जिंदा हुई तो उसने सालों बाद वो तस्वीर देखी हो सकता है उसने हजारों बार उस हादसे के बारे में सोचा हो कि उस आदमी ने मदद क्यों नहीं की। मुझे तो ऐसी कोई संभावना नहीं लगती। उसे बचा पाने की? उसके जिंदा होने की। आपको लगता है कि वो मर गई? मैंने कहा संभावना नहीं, नामुमकिन नहीं कहा मैंने। मान लेते हैं कि वो लड़की नहीं बची, फिर तो उसकी जान ना बचा पाने का आपको और भी पछतावा होना चाहिए। सुनो लड़की, मैंने बहुत ही गहराई में जाकर यह सवाल खुद से बार बार और कई बार पूछा है, और मैं सच कह रहा हूं कि इतनी गहराई कि तुम सोच भी नहीं सकती। क्या कर सकता था क्या नहीं, यह सवाल बेकार है। अतीत को बदला नहीं जा सकता। वो बच्ची मिल जाए तो क्या करेंगे? वो बच्ची? फर्ज कीजिए कि वो जिंदा है और अब बड़ी हो चुकी है, जो शायद इसी होटल के किसी एक कमरे में रुकी हुई हो। सोचिए, आपने उसे किसी हॉल में देखा हो या किसी गली में, क्या उसे पहचान पाएंगे? मुझे नहीं पता। शायद आप पहचान लेंगे। उसका चेहरा आपको अच्छे से याद होगा। पहली बार मिलकर उससे क्या कहेंगे? उससे माफी मांगेंगे? देखो, वो जंग मैंने नहीं छेड़ी थी। कुछ ही पलों में आपकी जिंदगी कैसे पलट जाती है। एक दिन आपके बगल में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, स्कूल से निकलती हुई लड़की देखी, किसी ने आपकी कनपट्टी पे बंदूक तान दी, और सब कुछ एक पल में बदल गया। ऐसा पहले कभी सोचा है? पर कहां? वहां उस खिड़की पर, जब आप नीचे पड़ी उस औरत की लाश देख रहे थे। हाँ, सोचा तो था। आज फिर वही दिन है। आपके लिए यह दिन कितना मुश्किल होगा, ऐसा आपने खुद कहा था। देखो देखो देखो, मुद्दे से मत भटको, समझी? माफ कीजिए, असल में आप समझ सकते हैं, आप फ्रेडरिक सोलोमन है ना? आपका नाम ही काफी है। आप फोटो जर्नलिज्म के एक लिविंग लेजेंड। कुछ ज्यादा हो गया। मुझे आपके बारे में सब कुछ जानना है। सब कुछ कोई नहीं जानना चाहता। आपको कभी जान से मारने की धमकियां मिली हैं? हाँ, अनजान लोगों से। आजकल तो धमकियां भी ईमेल पे आती हैं। उनमें क्या लिखा है? वही लिखा है जो तुमने मुझसे पहले ही कहा था। क्या कहा था? हमारे लोगों की बदकिस्मती को आप जैसे लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सिंबल बनाकर बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। काफी अच्छा था। मशहूर होने के अपने कुछ नुकसान भी होते हैं। आप अचानक ही उन लोगों की बदकिस्मती की वजह बन जाते हैं जो लोग आपसे हजारों मील दूर बैठे हैं, जिनसे आपका कोई नाता नहीं है। ये होना तो लाजमी है। आप एक तस्वीर खींचकर अमीर बन गए जो आपने ऐसे देश में ली जहां सिर्फ गरीबी है। काफी लोगों को बुरा लग सकता है। हाँ, खैर,
इंटरव्यू छापने के लिए बहुत सारे जवाब तो मिल ही गए होंगे तुम्हें। हाँ, मेरी रिसर्च और आपके जवाब छापने के लिए काफी होंगे। हाँ, अब मुझे जाना होगा, और तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, शुक्रिया। एक आखिरी चीज। क्या? मैं तो ये सोच के हैरान हूं कि आप इस बारे में भूल कैसे गए। इंटरव्यू के लिए आपकी तस्वीर चाहिए। हाँ ठीक है, तो कैमरा लेकर आई हो? नहीं, मैं तस्वीर बनाऊंगी। तो क्या ड्राइंग बनाओगी तुम? मेरा आइडिया था। इतने बड़े फोटोग्राफर की कैमरे से तस्वीर निकालना बहुत आसान है। मेरी ड्राइंग काफी अच्छी है, अगर आप मुझे मौका दें। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वक्त कितना लगेगा? ज्यादा नहीं, मैं बस एक स्केच बनाऊंगी। आइए बैठिए, आराम से बैठ जाइए। ठीक है। फिक्र मत कीजिए, आप अच्छे लग रहे हैं। फोटोग्राफ शायद झूठ नहीं बोलती, पर ड्राइंग झूठ बोल सकती है। फोटोग्राफ भी झूठ बोल सकती है, सच में। ये लीजिए आपकी ड्रेस। नहाएंगे नहीं क्या? इतनी जल्दी नहीं, अभी और पसीना बहेगा। आप दवाइयां लेकर आए हैं? हाँ लाया हूं। मैं किसी का एहसान नहीं रखता, खासकर तुम्हारा तो नहीं। वही पुरानी दवाई है, जब तुम्हारी बेटी ठीक होगी तो दोपहर के खाने के बाद एक लाल वाली और सोने से पहले दो हरी वाली दे देना। इन दवाइयों से फायदा हुआ था ना? पूरी तरह से दर्द तो नहीं गया था, पर रात में ठीक ठाक सो पाई थी और उसकी खांसी भी रुक गई थी। ये लो। अब तुम्हें क्या बोलना चाहिए? शुक्रिया डॉक्टर आर्यानो। तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। अगर उसे कुछ हुआ तो, मतलब कि अगर वो कोमा से उठी तो आप मुझे तुरंत बता देंगे ना? हाँ जरूर बताऊंगा। तो फिर मैं आपसे अगले हफ्ते मिलती हूं। जरा रुको, इतनी जल्दी भी क्या है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तोहफा है? शायद, पर कुछ कह नहीं सकता। मैं कुछ समझी नहीं। मैं अगले 10 मिनट में किसी से लॉबी में मिलने वाला हूं। प्लीज हिलिए मत। मेरा एक डॉक्टर दोस्त है जो अमेरिका से आया है, मैंने उससे सारा के केस के बारे में बात की। वो उसे ठीक कर देंगे? देखो तुम जानती हो तुम्हारी बेटी की बीमारी ठीक नहीं हो सकती है। यहां नहीं, पर शायद अमेरिका में। तो वहां भी नहीं, पर उसका सही से इलाज किया जाए तो वो कई सालों तक एक आम जिंदगी जी सकती है। शायद तुम्हारी सरकार उसे वहां भेजने के लिए राजी भी हो जाए, और ऐसा भलाई का काम करके तुम्हारी सरकार की पूरी दुनिया में तारीफ भी होगी। मेरी बेटी दूर देश जाएगी। खुद को संभालो। देखो कुछ भी करने से पहले मेरे दोस्त को राजी करना होगा। सारा को हिम्मत दिखानी होगी और उसे संभाल कर बिना किसी गड़बड़ के वहां पहुंचाना होगा। मुझे यकीन है वो कर लेगी, वो हिम्मत वाली है। और फिर हमें हमारी ये कहानी प्रेस वालों तक पहुंचानी होगी। वैसे ये कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ऐसी कहानियों के लिए प्रेस वाले जान लड़ा देते हैं। उसे कब ले जाएंगे आप? बहुत जल्द, और सब सही रहा तो कुछ ही हफ्तों में। फिलहाल हमें उसकी हालत और कोमा पर नजर रखनी होगी। सच कहूं तो तुम बहुत खुशकिस्मत हो। मुझे यह सब पहले क्यों नहीं बताया आपने? क्योंकि तुम वाकई बहुत खुशकिस्मत हो। मुझे भी ले जाएंगे ना? अभी मेरे दोस्त के पास? नहीं, यूएस मेरी बेटी सारा के साथ। यह सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि पत्रकारों को कहानी के हीरो से बात करनी होगी और वो तुम हो। समझ रही हो ना? अगर सब सही रहा तो तुम हर तरफ छा जाओगी, मशहूर हो जाओगी। मुझे मशहूर नहीं होना है, बस अपनी बेटी की जान बचानी है। हाँ मैं जानता हूं। आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं?
यूएन इसीलिए तो यहां है। यहां लोकतंत्र बना रहे, शांति समझौते हों और सभी जरूरतमंदों की मदद हो सके। मजाक मत कीजिए। मैं सच कह रहा हूं। देखो, तुम यहां पर अपनी बेटी को बचाना चाहती हो और ऐसा करके मैं तुम्हारी सरकार की छवि साफ कर दूंगा, तो इससे हम दोनों को फायदा होगा। ऐसी घटिया सरकार का हम करेंगे क्या? गाली मत दो वरना साबुन से तुम्हें मुंह धोना पड़ेगा। देर होगी क्या? नहीं, हिलिए मत। भूख लगी है? तुमने नाश्ता किया ना? और कल रात का खाना? अरे तुम खाना क्यों नहीं खाती हो? अगर खाओगी नहीं तो ये बताओ तुम्हारे शरीर में ताकत कहां से आएगी? ये बताओ तुम्हें उस फैक्ट्री में काम करने के पैसे मिलते भी हैं या नहीं? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुमने कभी बताया नहीं। मैं नहीं जानती, ये निशान मेरी पीठ पर बचपन से ही है, मुझे याद भी नहीं। डॉक्टर आर्यानो, आपसे एक बात पूछ सकती हूं? हाँ पूछो। जब भी हम मिलते हैं आप अपनी शादी की अंगूठी क्यों उतार देते हैं? आपको शर्म आती है? क्योंकि मैं इसकी इज्जत करता हूं। इज्जत? हाँ। किसकी इज्जत? आपकी बीवी की? बचकाना लगता होगा ना। पर तुम नहीं समझोगी, मैं इस अंगूठी की इज्जत करता हूं और हां बीवी की भी इज्जत करता हूं। और मेरी शादी, वचन, नियम, ये समाज, ये सब ऐसे ही चलते रहते हैं इन्हीं तरीकों से, एक दिखावे के लिए। लेकिन हम दोनों के तौर तरीके अपने हिसाब से चलते हैं। मुझे लगा बीवी से प्यार है इसलिए उतारते हैं। प्यार भी है। मैं किसी से प्यार करती तो उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने देती। और चॉकलेट है क्या? सारा को पसंद है। हाँ बोलो। हो गया, अब आप उठ सकते हैं। शुक्रिया। आर्यानो बोल रहा हूं। हाँ, वो इस वक्त कहां है? तो अब तुम्हारा सारा काम हो गया ना? देखना नहीं चाहेंगे? ठीक है, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। नहीं, अच्छा ही बनाया होगा। आपने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा होगा। मेरा दोस्त यहां पहुंच चुका है तो तुम यहीं रुको, मैं उससे मिलके आता हूं। तुम कहीं मत जाना। वैसे भी छपने ही वाला है तो देख लूंगा। आपका मन तो कर रहा होगा। हाँ ठीक है, देखो। ये किस तरह का मजाक है? अच्छी नहीं लगी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मजाक है क्या? अच्छी नहीं लगी, बहुत दुख की बात है। अभी के अभी निकलो यहाँ से। बहुत मेहनत से बनाया। निकल जाओ यहाँ से। क्या हुआ, आपको तस्वीर में कुछ दिखा नहीं क्या? हाँ, मैं फ्रेडरिक सोलोमन। इसी वक्त फोन रखो। सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक है, किसी को ऊपर मत भेजना। शुक्रिया। क्या कर रही हो? बहुत बचकाना सवाल है, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम पर पिस्तौल तानी हुई है। क्या चाहिए तुम्हें? उठाइए ये तस्वीर, उठाओ ये तस्वीर और देखो। हाँ हाँ उठाता हूँ। ये लो। देखो इसे, मैंने कहा देखो इसे। देखता हूँ, देखता हूँ। कैसे, ये सब किस लिए? अब बताओ मुझे, उसी की जैसी है ना? आखिर तुम ये सब कर क्यों रही हो? मेरे सवाल का जवाब दो, भूलो मत, सवाल पूछना मेरा काम है।
उसी के जैसी दिख रही है। सब कहते हैं कि मैं कभी कोई चेहरा नहीं भूलती, एक भी चेहरा नहीं भूलती। ये जानी पहचानी है ना? लोग कहते हैं कि बेटियों की शक्ल मां के मुकाबले पिता से ज्यादा मिलती है। ये क्या क्या पागलपन है? मुझे तो लगा था कि आपको बहुत मजा आएगा। आपकी मशहूर फोटो की तस्वीर बनाना मेरे लिए सबसे मुश्किल था। कितना दर्द था इसमें, लेकिन ये तस्वीर तो बहुत अच्छी बन गई। ये तो बस एक स्केच है, पर देखो इसमें हर बारीकी मौजूद है। मैंने इस तस्वीर में बच्ची की किताब का नाम भी लिखा है, देखो ना जरा। देखता हूं। मीलों तक लंबा सफर तय करने के बाद उस नन्हे सुअर का गुब्बारा सांप के मैदान में उतरा। गुड मॉर्निंग, उस नन्हे सुअर ने कहा। गुड मॉर्निंग, सांप ने उसे दुखी मन से मुंह लटकाकर जवाब दिया। ऐसे मुंह मत बनाओ, तुम्हारी फोटो जैसी है। इस फोटो ने ही तुम्हें मशहूर बनाया है। दोनों तस्वीरों में फर्क बस इतना है कि ये कोई अनजान लड़की नहीं है, ये आपकी बेटी है जिसकी पीठ आग में झुलस गई है। आपकी डरी हुई बेटी है जो आपको देख रही है, जिसे एक मच्छर की तरह मसल दिया जाएगा। बिल्कुल वैसे ही क्या कहा था तुमने? हाँ, शांति का सिंबल। मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? फिर से वही बचकाना सवाल, मिस्टर सोलोमन। इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही तुम्हें मैं कब का मार देती, पर यह बहुत ही आसान और बेमतलब हो जाता, कायराना भी। कभी किसी पर पीछे से वार नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं रुक गई। तुम्हारी शक्ल भी तो देखनी थी। मारने से पहले मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहती थी, तुम्हें जानना था, शायद जीने का दूसरा मौका भी देती, अगर तुम्हें अपनी गलती का जरा सा पछतावा भी होता तो। तुम इतना उदास क्यों हो? जरा सा भी दुख होता? क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है, सभी जानवर मुझसे डरते हैं, सांप ने दुखी होकर कहा। मेरे दांतों में जहर भरा है और कोई मेरे पास नहीं आता है, कोई नहीं। तुम किसी सन की विचारधारा से हो क्या? मैं कोई सन की नहीं हूँ। काम तो वैसा ही है। मेरी बेइज्जती मत करो। तुम मुझे मार नहीं सकती। क्यों नहीं? मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, नन्हे सुअर ने कहा। क्यों नहीं डरते? तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। आधा होटल जानता है कि हम दोनों साथ में हैं। सबको पता चल जाएगा कि तुमने गोली चलाई है। वो सब समझ जाएंगे, उन्हें गोली की आवाज सुनाई देगी। अब लोगों को यहाँ गोली की आवाज सुनाई नहीं देती। तुम्हारे दांत जहर से भरे हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और इतना फूट फूट कर रोने वाला जानवर मतलब ही नहीं हो सकता। इस देश के सरकारी अखबार की मैं एक इज्जतदार जर्नलिस्ट हूँ। आज सुबह मैंने अपने ऑफिस के साथियों के साथ मिलकर राष्ट्रगान गाया था, पर अफसोस, हैरानी की बात यह है कि आज रात आपको जिंदा देखने वाली एक आखिरी इंसान मैं हूँ। आंसू भरी आंखों से सांप ने नन्हे सुअर की तरफ देखा और नन्हे सुअर को उस सांप पर दया आने लगी। तुम्हें छू सकता हूँ? उसने पूछा। तुम मुझे मार नहीं सकती। मार सकती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, सांप मुस्कुराकर धीमे से फुसफुसाया। नन्हा सुअर धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा और नन्हे हाथों से सांप की पीठ सहलाने लगा। अरे वाह, क्या बात है, तुम्हारी खाल कितनी मुलायम है। देखो मेरे पर्स में पैसे हैं, तुम सारे के सारे ले लो, ले लो। कितने पैसे दे रहे हो? $500 पड़े हैं उसमें। सिर्फ $500? इनकी कीमत तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा है। देखो उसमें क्रेडिट कार्ड भी पड़ा है, वो भी ले लो, सब कुछ ले लो, पर मुझे छोड़ दो प्लीज। पर नन्हे सुअर का जवाब देने के बजाय सांप ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और अपने नुकीले दांत दिखाए। हाँ, उसने काटने की कोशिश की। नन्हा सुअर डर के मारे पीछे हट गया। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम ये क्यों कर रही हो? तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मेरे लिए? तुम्हें तो मुझे शुक्रिया बोलना चाहिए। लेकिन क्यों? हर किसी की मौत को लोग इतनी अहमियत नहीं देते हैं, समझे तुम? जरा सोचो, 20 मतलब साल के बाद तुम इस देश लौटो जिसने तुम्हें मरने के लिए मशहूर किया हो। ये एक अच्छी मौत होगी, वो भी इतने खास दिन पर जब तुम्हें इनाम मिलने वाला है। सांप रोने लगा, वो उदास हो गया और अपने बिल में रेंगता हुआ चला गया। उसने अपनी संपोली आवाज में कहा, अब तुम मेरे उदास होने की वजह समझे? अब तुम समझे कि मैं इतना दुखी क्यों रहता हूं? खुद की बेटी की मौत की बरसी पर बहुत खास दिन है। मुझे उम्मीद है यहाँ आने से पहले तुमने अपनी बेटी के कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए तो लाए ही होगे ना।
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मत मारो प्लीज, मत मारो मुझे। गिड़गिड़ाना बंद करो प्लीज। तुम कुछ भी बोलोगी मैं करूंगा, कुछ भी। कुछ भी? हाँ, कुछ भी, कुछ भी। ठीक है, एक चीज कर सकते हो। क्या? एक आसान से सवाल का जवाब देना है। बस इतना ही? बस इतना ही? जवाब सही हुआ तो तुम्हें बख्श दूंगी, अगर गलत हुआ तो मार दूंगी। ये बर्बरता है, छोड़। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है ठीक है, पूछो सवाल, बताता हूं। मेरा नाम बताओ। क्या? हाँ हाँ, मेरा नाम क्या है, जवाब दो। ये है तुम्हारा सवाल? हाँ, आसान सा सवाल है। पिछले एक घंटे से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, मेरा नाम बताओ। प्लीज मुझे माफ कर दो। याद नहीं? मेरा पहला नाम ही बता दो। रुको रुको। नहीं पता है ना? नहीं, माफ कर। तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर अब पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी जान मेरे हाथों में है। प्लीज। हाना। हाना, हाना। मेरा नाम हाना है, मगर अफसोस गोली मत चला रहा। ना मारने की मुझे सिर्फ एक वजह बताओ। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? हाँ, तुमने किया है। तुम्हारे साथ? अभी तक नहीं पहचाना, अभी भी नहीं समझे? देखो मुझे, मेरा ये चेहरा देखो, कुछ याद आया? उस तस्वीर में जो लड़की है मिस्टर सोलोमन, वो मैं हूं। शायद ये कमेटी के लोग आए होंगे मुझे लेने के लिए। भगाओ उन्हें। अरे ऐसा कैसे, उनके साथ मेरी दावत। आड़ में गई दावत? कुछ भी बहाना बनाकर भगाओ उन्हें। कोई चालाकी मत करना, मेरी पिस्तौल लोडेड है। सोलोमन मेरे यार। लुइस, कैसे हो लुइस? बहुत लंबे समय के बाद मिलना हुआ। अंदर हो, अंदर हो, आ जाओ। अरे तुम रो रहे थे? अरे नहीं नहीं, वो थोड़ी सी एलर्जी है मुझे ना, इसीलिए। और हाँ, मुझे और कमेटी को बहुत अच्छा लगा कि तुम आए। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे लिए कितना मुश्किल की बात है। ठीक है, जैसा तुम कहो। वैसे तुम्हें कमरा तो पसंद आया ना? हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, अच्छा है। वो क्या है, इसकी बची है या खत्म कर दी? अरे वाह वाह, तुम्हारी आदतें अभी तक नहीं बदली, तुम्हें अपनी जिंदगी से अभी तक प्यार नहीं हुआ यार। और ग्लैडिस कैसी है? वैसी ही है, भैंस की तरह मोटी, किसी दिन फट ना जाए बस। तुम्हें उसके साथ वक्त बिताना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन वो अपने गोल्फ कोच के साथ वक्त बिता रही है। अच्छा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ 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 हाँ, यहाँ ये गर्मी बहुत है और ये अवार्ड के बारे में सोच के थोड़ी घबराहट भी हो रही है। क्या, यहाँ का मौसम सबकी तबीयत खराब कर देता है। WHO को तो ऐसे मौसम पर बैन लगा देना चाहिए। तुम दावत के लिए तैयार नहीं हुए? नहीं, देखो मुझे नहीं लगता कि मैं दावत पर आ पाऊंगा। क्यों मजाक कर रहे हो यार? मजाक नहीं कर रहा। अरे यार क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, कुछ हुआ क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ हुआ नहीं है, बस एक जरूरी काम निपटाना है। वो काम बाद में भी तो हो सकते हैं। नहीं, मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें आए सिर्फ एक घंटा हुआ है और तुम्हारे पास मिनिस्टर से मिलने से ज्यादा जरूरी काम भी आ गया। जहाँ तक मुझे याद है, उस दावत में दुनिया के 15 ताकतवर देशों के एम्बेसडर आ रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं आओगे? हाँ बात तो सही है। क्या नाम है उसका? अरे बोलो, लड़की का चक्कर है ना? कौन है, तुमसे कहां मिली? 20 साल पुराना प्यार तो नहीं है कहीं? लुइस जरा समझो यार। वाह सोलोमन, तुम तो यार बहुत तेज निकले। कहां छुपाया उसे? बाथरूम में, सोफे के पीछे? पर तुम थोड़ा प्यार मोहब्बत वाले हो तो तुमने शायद उसे अलमारी में छुपाया हो। तुम समझ नहीं रहे हो लुइस। नहीं सोलोमन, तुम नहीं समझ रहे हो।
ये एक दावत करवाना यूएन के लिए शांति समझौता लिखने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। हजारों साल की जंग के बाद इस दावत के जरिए इस देश के लिए दूसरे देशों के दरवाजे खुलेंगे और इसी दावत पर मेरे प्यारे दोस्त कई फैसले होंगे जो किसी सरकारी दफ्तर में नहीं हो सकते। और ये सब कुछ तुम होटल के किसी रखेल के जिस्म के लिए नहीं छोड़ सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। तुम कोई ना कोई बहाना जरूर बना लोगे। कैसे बहाना और कितने बहाने, यहाँ बहाना नहीं चलेगा, वहाँ लोगों को एक चेहरा दिखाना है। हमें तुम्हारी जरूरत है, चेहरे की कीमत है। वहाँ पर अपना चेहरा दिखाओ, खाना खाओ और मानव अधिकारों पर एक दुख भरी कहानी सुनाओ, थोड़ा बहुत भाषण दो, बस इतना ही। मैं तुमसे इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मेरी बात सुनो, बस एक बार और मेरी इतनी मदद कर दो यार। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। पर भाई हम दोनों दोस्त हैं। बिल्कुल है, और मैं चाहता हूँ हमारी दोस्ती ऐसे ही बनी रहे। तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, सबके सामने मैंने तुम्हें दोबारा मशहूर बनाया। तुम इसके लायक नहीं थे, फिर भी तुम्हें जमीन से उठाकर स्टार बनाया। तुमने मुझे अपनी कठपुतली बना रखा था। और 20 साल पहले क्या थे तुम? तुम्हारी वो फोटो हथियार थी, इसलिए उसे लोगों ने इतना पसंद किया। अब इस तरह रोना बंद करो सोलोमन, कठपुतली बनकर तुमने अपनी जान बचाई और इसलिए आज भी तुम यहाँ जिंदा बैठे हो। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। ये बताओ तुमने आज तक अपने दम पर किया क्या है? मैं बताता हूँ तुमने क्या किया। तुमने कुछ नहीं किया। सोच तुम ऑफिस में पड़े सड़ रहे होते, किसी कोने में बैठे रो रहे होते और कोसते कि ये दुनिया इतनी बुरी क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तुमने सालों से कैमरा छुआ तक नहीं, सालों तक उस फोटो वाली लड़की को ढूंढते रहे और अपने परिवार को भूल गए। उस फोटो में इतना खो गए कि अपनी खुद की बेटी को मरने दिया और इसलिए तुम्हारी बीवी भी तुम्हें छो। अच्छे, एक घंटे में प्रेसिडेंशियल पैलेस पहुंच जाना। अभी मैं जा रहा हूं और हां, अपने पचड़े तुम खुद संभालो। वैसे वो औरत चाहे जहां हो पर ध्यान रखना खुदकुशी ना कर ले। थोड़ी देर पहले ऊपर की खिड़की से एक औरत ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। देखा मैंने। मामला दबाना कोई मुश्किल काम नहीं, पर ध्यान रखना ऐसे मामलों से बचकर रहने में भलाई है। दोस्त नाक मत कटवाना हमारी दोस्ती की खातिर। नहीं कटवाऊंगा भाई। एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम भागने की कोशिश करोगे, पर तुम भागे क्यों नहीं? हाँ, तुम्हें जानना होगा कि फोटो में वो लड़की मैं तो नहीं। एक कहावत सुनी है आपने, जिज्ञासा जर्नलिस्ट के लिए अच्छी नहीं। अब मुझे मारना नहीं है क्या? भागना चाहते हो? तुम दोनों की बातें सुनने के बाद मुझे ये ख्याल आया, मेरी जिंदगी कोई बहुत अच्छी नहीं रही है, पर तुम्हारी रही है। अरियानो बातें बहुत करता है। न जाने उस धमाके में हम में से किसने कितना खोया। मैं तो बच गई, मेरी किस्मत अच्छी थी। पढ़ाई की और अपने देश को सड़ता हुआ पीछे छोड़ आगे बढ़ गई। लेकिन तुम यूरोप में, धरती का स्वर्ग, जहां डेमोक्रेसी का जन्म हुआ, जहां सबके लिए कुछ ना कुछ है, पर तुमने सब गवा दिया। तुमने पूरे 20 साल बर्बाद कर दिए। माफ करना, थोड़ी देरी हो गई। हम बहुत दिनों बाद मिले, इसलिए काफी बातचीत हुई। क्या हुआ वहां, उन्होंने क्या कहा? मैंने सारा की मेडिकल फाइल दिखाई और उन्होंने कहा कि हाँ, उसका इलाज हो सकता है। वो आज दोपहर में अस्पताल जाएगा और उसे जाकर देखेगा। उसे लेकर कब जाएंगे? देखते हैं। मेरी सारा विदेश जाएगी। वहां पहुंचते ही उसका इलाज शुरू हो जाएगा और अस्पताल से निकलने में 1 या 2 महीने लग जाएंगे। और उसके बाद? उसके बाद क्या? उसके बाद हमें यहां वापस भेज देंगे? बिल्कुल भी नहीं, हम उसे एक अच्छे स्कूल में भेजेंगे, तुम्हारे लिए एक अच्छी सी जॉब ढूंढेंगे और फिर तुम अपनी कमाई से अपनी बेटी के लिए जितनी चाहे उतनी चॉकलेट खरीद सकोगी। शुक्रिया डॉक्टर आर्यानो। ऐसा मत बोलो, पर हम
हमने अभी तक एक जरूरी बात तो की ही नहीं। बताइए। कीमत। कैसी कीमत? देखो, कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। आप तो जानते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। पैसों की बात कौन कर रहा है? क्या तुमने आज तक मुझे कभी पैसे दिए? बोलो, बताओ। यही चाहिए ना आपको? नहीं 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 नहीं। अपने ग्लव्स उतारो। क्या? मैंने कहा ग्लव्स उतारो। मुझे दो। अब कैसा लग रहा है? तुम करना क्या चाहती हो? मेरी बेइज्जती? बेइज्जत होने का आपका तरीका काफी दिलचस्प है। इस बार इतने से काम नहीं चलने वाला। हां, दवाइयों के लिए इतना काफी था, लेकिन अब हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं, बहुत बड़ा। तुम सोच भी नहीं सकती आजकल हवाई जहाज के टिकट के दाम कितने बढ़ गए हैं। मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले तो तुम टब में लेटोगी और मैं जैसा कहूंगा वैसा करोगी। मैं कहूं कि अपना मुंह खोलो तो अपना मुंह खोलना। मैं तुम्हें जो भी पिलाऊंगा तुम उसे पियोगी। फिर हम बिस्तर पे जाएंगे और मैं तुम्हें बांधूंगा। तुम जरा भी नहीं हिलोगी, बिल्कुल भी नहीं। मेरा जो मन करेगा वो मैं तुम्हारे साथ करूंगा। तुम जरा भी आनाकानी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई चोट पहुंचे। तुम्हारा मुंह तुम्हारे मुंह को मैं एक बेल्ट से बंद कर दूंगा। अब जब कभी भी ये मुंह खुलेगा तो बोलने के लिए नहीं, समझ गई ना तुम? अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, एक शब्द भी नहीं बोलोगी। तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो पूछो। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आवाज कैसी है? कोई ना कोई बिल्डिंग गिरी होगी, यहां अक्सर ऐसा होता रहता है। जंग से सब कमजोर हो गई हैं। तुम्हें मुझसे कुछ नहीं पूछना? इंटरव्यू लेने तो तुम आई हो ना? ज्यादा बातें मत बनाओ, समझे? पता है तुम कुछ पूछोगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना। तुम मुझे 20 साल तक ढूंढते रहे और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम मुझसे कुछ भी पूछना नहीं चाहते हो? नहीं। क्या मैं पूछ सकती हूं क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम वही लड़की हो। नहीं लगता? मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है। तुम भी बाकी लोगों की तरह बस एक संख्या। मैंने कहा ना, मेरी बेइज्जती मत करना। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। हम दोनों को पता है कि तुम उस वक्त भागे क्यों नहीं। तुम्हें मेरी गोली से मरने का डर नहीं था। तो दिखाती क्यों नहीं मुझे? सबूत दिखाओ, कोई तो सबूत दो। मुझ पर भरोसा नहीं? जिसने तुम पर पिस्तौल तानी उस पर भरोसा करोगी?
देखा, हम दोनों एक ही जैसे हैं, इज्जत की मौत चाहते हैं। कुछ ऐसा ही कहा था ना तुमने, अगर तुम मुझे मारने वाली हो तो मुझे यह जानने का पूरा हक है कि तुम वो लड़की हो या नहीं। यही प्लान था ना तुम्हारा, तो चलो साबित करके दिखाओ। अब भरोसा हुआ? नहीं, कपड़े पहन लो। मेरे पास खुद को साबित करने का इससे बड़ा सबूत नहीं है। तुम्हें थोड़ी और कोशिश करनी होगी। इस देश में जली हुई पीठ वाली तुम अकेली लड़की नहीं हो। बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरे जले के निशान फोटो वाली लड़की से मिलते हैं। अब इसे इत्तेफाक तो नहीं कह सकते? मैंने तो इत्तेफाक की बात ही नहीं की। क्या कहना चाहते हो? तुमने तो मेरी सभी किताबें पढ़ी होंगी ना। हाँ, तो फिर तुम्हें पता होगा कि ऐसी हजारों लड़कियों ने मेरी फोटो वाली लड़की होने का दावा किया है। कुछ ने कहा कि आग से उनकी खाल कभी जली ही नहीं, और कुछ ने कहा कि वक्त के साथ उनके सारे घाव भरकर गायब हो गए, और कुछ ने तो लड़कियों कहा, ने जानबूझकर ऐसा किया था। लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, उन्हें हर हाल में शोहरत, पैसा या बस यूरोप में रहने का एक मौका चाहिए होता है। लोग बहुत नीचे गिर जाते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, शुरुआती दिनों में तो कुछ औरतें छोटी छोटी बच्चियां लेकर आ जाती थी आग में झुलसी हुई। लोग ऐसे भी होते हैं। मैं उनमें से नहीं हूं। लेकिन मैं कैसे मान लूं? तुम ऐसे कैसे? मैंने कहा तुम कोई पहली लड़की नहीं हो। इन घावों के साथ मैंने पूरी जिंदगी बिताई है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैंने जिंदगी भर क्या महसूस किया है। इतने सालों के बाद भी जानते हो, आज भी तकलीफ होती है। मुझे तो तुम धोखेबाज लगती हो, एक सन की लड़की। झूठ बोल रही हो तुम। दूसरों ने झूठ बोलकर तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश की। मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। तुमने मुझे मारने की कोशिश की, शायद अब भी मारना चाहती हो, लेकिन इतनी आसानी से मैं मरने वाला नहीं। तो फिर ठीक है, कुछ पूछो मुझसे, कोई ऐसी बात जो सिर्फ मुझे पता हो। और पूछने से क्या हो जाएगा? मुझे लगता है मेरी फोटोग्राफी पर लिखी सारी किताबें अब तक तुम पढ़ चुकी होगी। ऐसा कुछ तो होगा जो कभी छपा ही नहीं, जो शायद आपने सबसे छुपा कर रखा हो, जो ऐसे हालात के लिए बचा कर रखा हो। हो सकता है। जानती थी उस वक्त तुम्हारी उम्र कितनी थी? 7। क्या उस दिन की कोई भी बात तुम मुझे बता सकती हो? ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। वो यादें जिनका कोई मतलब ही नहीं, छोटी छोटी बातें। सच कहूं तो पता नहीं ये सिर्फ यादें हैं या मेरे मन की कल्पना, या फिर कुछ तस्वीरें जो आपकी किताब पढ़ते हुए मेरे दिलो दिमाग में छप गई। धुंधली सी यादें हैं, धुंधली सी यादें। गलती छुपाने का बहुत अच्छा बेहतर है ये। कुछ भरोसे के लायक बताओ। उस दिन नाश्ते में मैंने एक गिलास दूध पिया और सेब खाया था। मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैंने कई महीनों से कोई भी फल नहीं खाया था। उस दिन हवा बहुत तेज थी और उस दिन काफी धूल उड़ रही थी। उन महीनों में मौसम ऐसा ही रहता है। कोई खास बात याद है तो बताओ। मुझे नहीं पता आपको क्या सुनना है। जैसे कि क्यों स्कूल के टीचर और मिशनरी को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम्हारी फोटो दिखाने पर तुम्हें किसी ने भी क्यों नहीं पहचाना? मैं वहाँ नहीं पढ़ती थी। तो फिर तुम वहाँ क्या कर रही थी? कोई जवाब है? उस स्कूल में मेरी दोस्त पढ़ती थी, मैं वहाँ सिर्फ उससे मिलने के लिए गई थी। नाम क्या था उसका? ईदा। ईदा और सरनेम? ईदा नहीं पता। ईदा यहाँ पर बहुत ही कॉमन नाम है। मिशनरी वाले क्या बुलाते थे उसे? मुझे याद नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो तुम्हारी दोस्त थी ना, तो फिर सरनेम कैसे? मैंने कहा ना, मुझे याद नहीं। उसका नाम
शायद ईदा था। ईदा, ईदा था, यही याद। रिलैक्स, लेकिन कहानी तो साबित करनी होगी ना, बात करवा सकती है उससे? मैं उस दिन से उसे ढूंढ रही हूँ। उससे मिलने क्यों गई थी? वो एक किताब देने वाली थी। कौन सी किताब? वही जो उस फोटो में है। स्कूल में मिली थी? हाँ। वो तो अपने घर या अनाथालय में क्यों नहीं मिली उससे? मुझे नहीं पता, शायद तुम्हारी क्लास उससे पहले छूट गई हो। हाँ, उस दिन सायरन की आवाज सुनी थी तुमने? हाँ, पर निकल नहीं पाई। लेकिन क्यों? मैं बाथरूम में थी। दोस्त तुम्हारे लिए रुकी नहीं? वो नहीं रुकी। और दोबारा कभी मिली नहीं? नहीं, उस धमाके के बाद मैं ईदा से कभी नहीं मिली। तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त थे, वो अस्पताल में मिलने नहीं आई तुमसे? मैंने तो अस्पताल का अभी तक नाम भी नहीं लिया। तो फिर कहां ले गए थे? पता नहीं। अच्छा, तुम्हें पता नहीं, बस अपने मतलब की बातें याद है ना? जितना याद करने की कोशिश की मुझे उतना ही याद है। ये बात तुमने सही कही, इसके अलावा जो भी कहा बकवास था। तुम सिर्फ वही बातें बता रही हो जिन्हें साबित करना नामुमकिन है, लेकिन मुझे तो कोई सबूत चाहिए, और वो भी ठोस। तुम किससे मिली, वहां से कहां गई? धमाके के बाद मुझे 10 या 11 की उम्र में होश आया, उससे पहले का कुछ याद नहीं है। अब इतना झूठ मत बोलो, शौक देने से अच्छे अच्छों की याददाश्त वापस आ जाती है। उन्होंने बताया कि शहर तबाह होने से पहले ही वो मुझे पहाड़ों पर ले गए थे, बस इतना ही जानती हूँ। वही परी बड़ी और बड़ी होने से पहले यहाँ कभी नहीं लौटी, और तब मैंने पहली बार आपकी वो फोटोग्राफ देखी। देखो हाना, हाना यही ना? देखो हाना, मेरा वक्त बर्बाद मत करो प्लीज। इस तरह की कहानी मैं पहले भी सुन चुका हूं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि आप सही हैं और मैं गलत, पर मैं आपको मारना क्यों चाहूंगी? शायद तुम ऐसा चाहती थी कि मैं सोचूं कि तुम मुझे मार दोगी। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है? तो अब तक तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? और आपने मुझे क्यों नहीं मारा? चलो उस धमाके के बारे में बात करते हैं। आपको क्या जानना है? जब सायरन की आवाज आई तुम बाथरूम में थी, उसके बाद? मैं डरी हुई थी, जितनी जल्दी हो सका मैं वहां से भागी। अब तक हवाई जहाज वहां नहीं पहुंचे थे? मुझे कुछ याद आया, मैं वापस अंदर गई। पर क्यों? किताब भूल आई थी, स्कूल से बाहर निकलने से ठीक पहले याद आया। वो लोग पूरा शहर बम से उड़ाने वाले थे और तुम्हें अपने किताब की पड़ी थी। वो किताब मेरी दोस्त ईदा की थी और मैं उसे खो नहीं सकती थी। आगे बोलो। सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागी, मुझे कोई नहीं दिखा, सब जा चुके थे। मैं बाथरूम में घुसी पर मुझे वो किताब नहीं दिखी। कुछ समझ नहीं आया, फिर याद आया कि मैं गलत माले पर आ गई हूँ। तभी मुझे हवाई जहाज की आवाज सुनाई दी। वो किताब ऊपर की मंजिल पर थी, उसे उठाकर मैं सीढ़ियों की तरफ भागी। अचानक मैं लड़खड़ाई और गिर गई, घुटने पर चोट लगी, खून निकल रहा था, पर मैं रोई नहीं। मुझे ऊपर बम गिराने वालों के इंजन की आवाज सुनाई दी। स्कूल की सारी खिड़कियां कांप उठी, शायद आसपास कहीं बम फटा था। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, फिर भी मैं भागती रही, मैं बहुत डरी हुई थी। एक और धमाका हुआ, छत में दरार आई और उससे धूल गिरने लगी। प्लेन्स और हेलीकॉप्टर की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे मेरे पीछे जंगली कुत्ते पड़े हों। उनके डर से मैं और तेजी से भागने लगी। मैं बस लगातार भागती रही, भागती रही। जब स्कूल से बाहर आई तो सब कुछ टूटा हुआ था। डर के मारे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं। मैंने आसपास देखा, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा लग रहा था। मुझे शेल्टर नहीं दिख रहा था, मैं वहीं पर रुक गई। मैं इधर उधर देख रही थी, सोच रही थी कोई कहे कि हाना इधर इधर आ जाओ, पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मेरे दिमाग में बस एक ही बात आ रही थी, अपनी जान बचाओ, पर मेरे पैर जमीन में जम गए थे। मैंने ऊपर देखा, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने आसमान की ओर देखा और वो लोग मुझे बादलों को चीरते हुए दिखाई दिए। और फिर अचानक, और अचानक क्या? उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं, बस अजीब सी कुछ तस्वीरें, जैसे कि मैंने कोई अजीब सा सपना देखा हो, एक अजीब सी शांति
और मेरे दिमाग में एक बहुत तीखी सी गूंजती हुई आवाज। बस इतना ही? मुझे नहीं पता। मुझे देखा था? मुझे नहीं याद। मैं वहीं पर था जब तुम हवा में थी, तब मुझे देखा था तुमने? मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। हाँ तुमने देखा था, एक पल के लिए तुमने मुझे देखा था। मैं कैमरा लिए बैठा था। कैमरा? एक काली आंख, मुझे देखती हुई चमकती हुई काली आंख। और क्या था वो? बस एक सपने जैसा। सोचो। एक कमीज पर, या शायद एक जैकेट था। एक जैकेट था? रंग क्या था? नहीं याद। याद तो करो। पीला। पीला? कुछ और भी था। क्या? एक और रंग। लाल? हाँ। कहाँ? खून है। अरे मैंने पूछा कहाँ? मेरे हाथ पर। हाथ पर कोई पट्टी है? हाँ हाथ पर एक पट्टी है। बांह पर एक सफेद पट्टी जिस पर गहरे लाल रंग से प्रेस लिखा हुआ है। तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने पहले कभी सोचा नहीं इस बारे में? तुम इसमें बहुत अच्छे पैसे कमा सकती थी। बहुत सारे। हाना, शायद तुम वही हो। अब मुझ पर विश्वास हुआ? अगर सच में तुम वही लड़की हो तो जानती हो इसका मतलब क्या होता है? मतलब मुझे तुमसे नफरत करने का पूरा हक है। वो तो मुझे भी है हाना, मुझे भी है। आज, ठीक आज ही के दिन मैं एक हारा हुआ आदमी हूं जो एक ऐसे देश में कुछ नहीं कर पाया जहां पर सब कुछ किया जा सकता है। तुमने बिल्कुल सही कहा था, मैंने तुम्हें 20 साल पहले खोया था और तब से आज तक मेरे अंदर एक डर है, और वो फोटो जो मुझे डर से और हैरानी से नफरत से घूरती रहती है हमेशा, ये मुझे उन सभी को नफरत से देखती है जो बेशर्मों की तरह जिए जा रहे हैं। देखो देखो जरा इसे, मुझे छोड़कर चली गई जब मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था। रंगों से भरे उस शहर में जाकर मर गई। यूरोप तुम्हें तुम्हारी बदकिस्मती से नहीं बचा सकता है। ऐसे स्वर्ग का क्या फायदा जहां तुम अपनी औलाद को नहीं बचा सकते। मेरी बीवी ने मुझे माफ नहीं किया। आखिर वो मुझ जैसे इंसान को माफ करती भी तो कैसे? मैंने खुद को माफ नहीं किया। मैंने उस फोटो की सारी कॉपीज उठाकर नीचे अपने बेसमेंट में छुपा कर रख दी। उसकी असली नेगेटिव, मैगजीन के कवर जो मैंने बड़े ही गर्व से सजाए थे, सब नीचे रख दिए। पर तुम्हें देखता रहा बस, या शायद उसे बार बार दिखती थी। तुम हर तरफ थी, टीवी पर, गलियों में, यहां तक कि दुकानों से भी तुम मुझे घूरती रहती थी, देखती रहती थी। शहर के एक एक कोने से, दुनिया के हर एक शहर में दिख जाती थी वो। समझ सकती हो कैसा लगता है? उन आंखों को हमेशा के लिए बंद करने के लिए मैं कुछ भी करता। उस हादसे का शिकार मैं भी हुआ ना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इतनी बिगड़ जाएंगी।
कभी नहीं। अब मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे? चलो मेरे साथ। कहां पर? पूरी दुनिया तुमसे मिलना चाहती है, सब के सब तुम्हारी आप बीती सुनना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए, पर कोई और रास्ता है ही नहीं। जो हुआ है उसे बदल नहीं सकते। तुम कौन थी या मैं कौन हूं ये सब मायने नहीं रखता। मेरी बात समझो, आज के दिन से हम जो चाहें वो बन सकते हैं। और मैं मना करूं तो? नहीं करूंगी। हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है,